दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के नए सत्र में बीए, बीएससी बायो, बीएससी मैथ और बीकॉम में प्रवेश के लिए काउंसलिंग का आयोजन गुरुवार को दीक्षा भवन में किया गया। विश्वविद्यालय द्वारा जारी कट ऑफ पर बीए, बीएससी बायो और बीएससी मैथ के साथ बीकॉम में प्रवेश प्रारंभ हो गया। काउंसलिंग के दौरान दस्तावेजों के सत्यापन कराने वाले अभ्यर्थियों को उनकी रैंक के मुताबिक विषय का अलॉटमेंट करने के साथ ही चालान फॉर्म मुहैया कराया गया। पहले दिन बीए में 235 अभ्यर्थियों, बीएससी मैथ में 54 और बीएससी बायो में 20 और बीकॉम में 82 अभ्यर्थियों ने अपना प्रवेश सुनिश्चित कराया। इस दौरान कुल 391 अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग कराया। काउंसलिंग के दौरान किसी अभ्यर्थी को किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। साथ ही बाहरी लोगों को विश्वविद्यालय में प्रवेश से रोकने के लिए सुरक्षा के लिहाज से प्रोक्टोरियल बोर्ड की टीम के साथ साथ पुलिस मौजूद रही, जिसके संबंध में डीएसडब्ल्यू प्रोफेसर अजय सिंह ने बताया कि प्रवेश प्रक्रिया विश्वविद्यालय द्वारा जारी कट ऑफ के आधार पर किया जा रहा है। अभी स्नातक में प्रवेश प्रक्रिया चल रही है, उसके बाद बीटेक और एग्रीकल्चर और परास्नातक में प्रवेश प्रक्रिया शुरू किया जाएगा। इस अवसर पर प्रभारी चीफ प्रॉक्टर प्रोफेसर एस के सिंह ने बताया कि विश्वविद्यालय में बाहरी लोगों को रोकने के लिए पुलिस और विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से अधिकारी मौजूद हैं। अभिभावकों के लिए विश्वविद्यालय परिसर में बैठने की व्यवस्था किया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए डीएसडब्ल्यू प्रोफेसर अजय सिंह एवं प्रभारी चीफ प्रॉक्टर प्रोफेसर एस के सिंह ने कहा, सर्टिफिकेट दो हाई स्कूल का, दो दो। अरे मैं जितना कह रहा हूँ करो ना, या साइन करो और आज का डेट डाल। मोहित त्रिपाठी, सदाशिव गुप्ता, सदाशिव गुप्ता एडमिशन शुरू हो गया। आज से जो काउंसलिंग शुरू हुई है इसमें बीए, बीए के सारे सब्जेक्ट्स में एडमिशन हो रहा है, बीएससी बायोलॉजी एंड मैथ और ई एम काम बी काम की काउंसलिंग आज शुरू हो गई है तीनों फैकल्टी की। काउंसलिंग तो मतलब अभी ये चलेगा, हमको लगता है कि ये 12-13 तक चलेगा, क्योंकि ये जो पूरी प्रक्रिया सारे सब्जेक्ट के आज से मतलब शुरू किया गया है। अब क्रम बाई क्रम ये जो सब्जेक्ट इसमें बढ़ते जाएंगे, जैसे एग्रीकल्चर का है, इंजीनियरिंग का है, फिर पीजी का शुरू हो जाएगा, सारी काउंसलिंग होती चली। स्नातक स्तर की काउंसलिंग शुरू हो गई जिसमें बीए, बीएससी और बीकॉम तीनों की काउंसलिंग चल रही है। बीएससी फर्स्ट फ्लोर पर चल रहे, बीए फर्स्ट फ्लोर पर चल रहा है, बीएससी और बीकॉम ग्राउंड फ्लोर पर चल रहे हैं और गार्जियंस को गेट पर गेट के अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। उनके लिए कन्वेंशन सेंटर खोल दिया गया, उनके लिए बैठने की व्यवस्था है। जिनकी काउंसलिंग है वही बच्चे अंदर आ रहे हैं और इसमें पुलिस प्रशासन ने भी काफ़ी मदद की है। सभी लोग क्योंकि किसी भी तरह के फालतू लोग आएंगे तो कार्य बाधित होता है, इसके लिए व्यवस्था ऐसी दी गई है जिसके गार्जियन बाहर बैठे रहें, क्योंकि आज उनको केवल काउंसलिंग के बाद स्लिप मिल जाएगी, फीस ऑनलाइन सबमिट करना है और इस तरीके से केवल कैंडिडेट को ही यहाँ अनुमति दी गई आने की।